Good evening, everyone. Today we are going to discuss the fourth lecture on limit price theory and third lecture on barriers to new competition. क्योंकि जब हमने लिमिट प्राइस थ्योरी की शुरुआत की थी और तब हमने आपको बताया था कि जेम्स बेन जिन्होंने लिमिट प्राइस थ्योरी प्रपाउंड की, इन्होंने अपना एक पहला आर्टिकल 1949 में लिखा था जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कही थी और फर्म का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसलिए जो फर्म है वो अपना प्राइस मोनोपोली प्राइस पे नहीं फिक्स करती बल्कि उससे थोड़ा कम करती है ताकि पोटेंशियल एंट्रेंट की एंट्री को रोका जा सके। लेकिन 1956 में उनकी ये किताब आई बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, और बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन में उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव जो 1949 में उन्होंने लिया था उसको छोड़ दिया और ये कहा कि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर अपना प्राइस रखे, और वो कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज्यादा प्राइस इसलिए रख पाती है क्योंकि देर आर सर्टेन बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। इसीलिए उन्होंने इसका टाइटल दिया था बैरियर्स टू न्यू कॉम्पिटिशन। और एक बैरियर जो हमने लास्ट टर्म पे आपसे डिस्कस किया था वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर है। बैरियर को दो भागों में बांटा था, इनोसेंट बैरियर जिसमें लार्ज स्केल कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कही थी, और दूसरा था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर, ये स्ट्रेटजिक बैरियर कहलाता। इनोसेंट बैरियर हमने आपको बताया था कि दे आर नेचुरल बैरियर्स, दे एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, और लार्ज स्केल इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट उसका एक हिस्सा था, उसका एक एग्जाम्पल था कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है तो वहां पे नई फर्म जल्दी प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो एक ऑटो या एक स्वतः अपने आप में बैरियर का रोल प्ले करता। लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बैरियर मैन मेड बैरियर है, इसे उसे स्ट्रेटजिक बैरियर की कैटेगरी में रखा, क्योंकि स्ट्रेटजिक बैरियर और दोज बैरियर्स विच आर मैन मेड बैरियर्स विच डू नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन। और दूसरा स्ट्रेटेजिक बैरियर यहाँ डिस्कस हम करने जा रहे हैं, रोल ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर। तो आज के स्लाइड शो में ये भी छोटा है, सेकंड बैरियर का रोल, स्ट्रेटेजिक बैरियर का रोल हम देखने जा रहे हैं और वो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर। कि जो इनकमबेंट फर्म है यानी जो फर्म एग्जिस्ट कर रही है, जो काम कर रही है, उसको एक कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल कॉस्ट एडवांटेज उसे मिलता है, शॉर्ट में एसी ये भी लिखा है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर। और वो एडवांटेज उसे कुछ फैक्टर्स की वजह से मिलता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल एंट्रेंट है उसको वो एडवांटेज नहीं मिलता। और वो चीज यहां लिखी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर अराइजेस व्हेन द एंट्रेंट हैज टू बेयर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर नॉट टू बी बॉर्न बाय द इनकमबेंट। ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर तब अराइज होता है जब कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो इनकमबेंट फर्म को बेयर नहीं करनी पड़ती लेकिन पोटेंशियल एंट्रेंट को बेयर करनी पड़ती। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर की उत्पत्ति तब होती है व्हेन देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर नॉट टू बी बॉर्न बाय द इनकमबेंट फर्म बट दे हैव टू बी बॉर्न बाय द पोटेंशियल एंट्रेंट। वो यहां डेफिनेशन लिखी है कि एसीएबी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर अराइजेस when the entrant has to bear certain costs which are not to be borne by the incumbent firm. अब वहां factors की ऐसे कौन से factors हैं जो absolute cost advantage provide करते हैं? कौन से ऐसे तत्व हैं जो absolute cost advantage
एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं इनकमबेंट फर्म को, लेकिन एंट्रेंट को नहीं। और वहां पे ये दिया है पहला चैप्टर पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स आज की तारीख में इसका रोल बहुत अहम है। अगर आप थोड़ा सा पेटेंट एक्ट की हिस्ट्री में जाएं इंडिया में, तो पहला पेटेंट एक्ट 1911 में बना था इंडिया में, 1911। 1970 में उस पेटेंट एक्ट को रिवाइज किया गया, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन चीजें ऐसी थी, तीन कमोडिटीज जिनमें पेटेंट लॉ को बहुत सबड्यूड रखा, बहुत वीक रखा। पहला था फार्मास्यूटिकल, यानी जो ड्रग इंडस्ट्री है, यानी जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फूड इंडस्ट्री, और तीसरा केमिकल्स या केमिकल बेस्ड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस। तो ये तीन चीजें थी, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट और केमिकल्स। इस पर हम लोग ने दो काम कर रखे थे। पहली चीज, किसी प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं किया था, यहां प्रोसेस को हमने पेटेंट दे रखा। तो आप प्रोडक्ट ऑल्टर करके कमोडिटी बना सकते। और दूसरा था कि इन तीन चीजों पे जो पेटेंट लॉ था वो 20 साल के लिए नहीं था, वो केवल 5 साल के लिए था, जब से आपको पेटेंट मिलेगा, या 7 साल जब से आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। तो इंडिया में इन तीन चीजों पेटेंट लॉ वीक इसलिए रखा गया कि हम लोग आसानी से प्रोसेस चेंज करके एक दूसरा एनाल्जेसिक या दूसरी दवाई बना लें। आज हमारे यहाँ देखिए बड़ी दिक्कत है, रेमडेसिविर जो है वो पेटेंट है, उसको पेटेंटेड, और अगर वो पेटेंटेड प्रोडक्ट का पेटेंट हमारे हम लोग नहीं ले रखा, तो यहाँ पे नई फर्म को बनाने में बहुत दिक्कत है। तो पहले रॉयल्टी पे करें तब वो प्रोडक्ट बनाए, और रॉयल्टी छोटी मोटी नहीं है, बहुत हाई रॉयल्टी होती है। तो पेटेंट और कॉपीराइट्स, जो इनकम्बेंट फॉर्म है वो उसके वो पहले पेटेंट ले सकती किसी भी चीज का, एंट्रेंट तो जब लेगी तब लेगी। और एक बार पेटेंट ले लिया तो अगर एंट्रेंट आ रही है तो पहले वो रॉयल्टी पे करे उस कंपनी को, तब वो प्रोडक्ट बनाए। इसीलिए रेमडेसिविर की यहाँ शॉर्टेज है, क्योंकि भारत ने 1970 के बाद जब WTO ने ट्रिप्स की बात कही, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसमें इंडिया और तमाम डेवलपिंग कंट्रीज से कहा कि आप पेटेंट लॉ यूनिफॉर्म कीजिए, सब पे 20 साल का पेटेंट दीजिए और प्रोडक्ट पेटेंट दीजिए। 2005 में भारत ने अपना पेटेंट लॉ दोबारा चेंज किया इन अकॉर्डेंस टू WTO, और वो इन अकॉर्डेंस टू WTO जब रूल चेंज किया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज ट्रक की हो रही है, और हम लोग को जाना पड़ रहा है WTO में कि किसी तरह ये पेटेंट हटाओ। लेकिन जो फर्म इन्वेस्ट कर रही है इनोवेशंस पर, टेक्निक्स पर, वो जल्दी पेटेंट हटाने के लिए सहयोग नहीं करेगी, भारत का सहयोग नहीं करेगी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि इनोवेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अहम रोल है कंपनी के प्रोग्रेस में। और अगर हम पेटेंट लॉ को वीक करते हैं तो कंपनी इनोवेशन पर उतना पैसा नहीं खर्च करेगी, दवाई पे या किसी भी चीज पे आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और साइंटिस्टों को पे करना पड़ता, तब वो आपके लिए मेडिसिन तैयार करते हैं। तो इंडिया में पेटेंट लॉ जो है अब इस समय सख्त हो गया 2005 के बाद से, क्योंकि वो WTO की स्पिरिट में या WTO के नॉर्म्स पर बेस्ड है। तो जो 1970 का पेटेंट एक्ट था वो वीक हो गया, और इसीलिए दवाइयां बहुत महंगी हो गई इस समय। तो इनकमबेंट फर्म जो है उसके पास ये एडवांटेज है
कि वो पेटेंट ले और जब नई फर्म एंटर करेगी तो उसको रॉयल्टी मिलेगी, तो नई फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको आराम है, वो अपनी लिमिट प्राइस को रेस कर सकता है अबव कॉम्पिटिटिव प्राइस। एक फैक्टर है पेटेंट और कॉपीराइट। दूसरा फैक्टर देखिए आप, बी इंटरनल फाइनेंसिंग फ्रॉम ओन फंड्स। जो कंपनी है, कोई भी कंपनी, वो अपनी फाइनेंसिंग अपने फंड से भी कर सकती है। बैंक से लोन लेने के बजाय इट कैन फाइनेंस फ्रॉम इंटरनली, यानी इंटरनली का मतलब है कि जो उसके ओन फंड्स है। नेट प्रॉफिट रिटेन्ड बाय कंपनीज, उसे हम कॉरपोरेट सेविंग्स कहते हैं। और कॉरपोरेट सेविंग्स वो रीइन्वेस्ट करे, तो कंपनी को यहां पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट से बोरो नहीं करना पड़ा, लेकिन इनकमबेंट फंड के पास अभी ओन फंड्स नहीं है क्योंकि उसको टाइम लगेगा अपना फंड जनरेट करने के लिए और उसको बोरो करना पड़ेगा, इट हैज टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। तीसरा है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ कंपनीज गुडविल। जो इनकमबेंट फर्म है, जो फर्म एग्जिस्ट कर रही है, उसकी गुडविल है और गुडविल मार्केट में सेल होती है, बिकती है, और इस सेंस में यहाँ बेचा जा रहा है कि बैंक जहां से वो लोन ले रहा है उस कंपनी की गुडविल की वजह से उसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे, लेकिन इनकमबेंट फर्म जाएगी उससे हाई रेट चार्ज करेगा। तो एंट्रेंट इज एट ए लॉस एज कंपेयर टू द इनकमबेंट फर्म, एंड इनकमबेंट फर्म एंजॉयज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंजॉय कर रही है। चौथा है हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू हायर ट्रेन मैन पावर। तो जो पोटेंशियल एंट्रेंट है, अगर उसको स्किल्ड मैन पावर चाहिए तो उसे हाई प्राइस पे करना पड़ेगा, हायर वेजेस देनी पड़ेंगी, तब वो वर्कर वहां काम करेगा और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जो इनकमबेंट फर्म है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर एंजॉय करे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंजॉय करेगी और अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकती है अबव द कॉम्पिटिटिव प्राइस। और पांचवा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट मार्जिनल कॉस्ट टू इनकमबेंट फर्म बिकॉज ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है कि अगर इनकमबेंट फर्म है उसका किसी से वर्टिकल इंटीग्रेशन हो चुका है, यानी वो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही मान लीजिए, तो वो रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे नहीं बल्कि मार्जिनल कॉस्ट पे उसे मिल जाएगा, प्रॉफिट की जरूरत नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट एमसी टू इनकमबेंट फर्म बिकॉज ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो रॉ मटेरियल उसे कम दाम पे मिलेगा क्योंकि उसका वर्टिकल इंटीग्रेशन है उस फर्म के साथ जो रॉ मटेरियल दे रही है, लेकिन जब बाहर की फर्म उससे लेगी तो वो प्रॉफिट भी जोड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट हायर होगी और इनकमेंट फर्म को इसलिए प्राइस बढ़ाने में आराम रहेगा, लिमिट प्राइस अबव द कॉम्पिटिटिव प्राइस। और छठा है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एट लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव टाई अप्स विद फर्म्स। कि कई बार जो कंपनी है वो एक्सक्लूसिव टाई अप्स करती है दूसरी कंपनी से कि वो उसी को रॉ मटेरियल देगी, कम दाम पे देगी, और वो दाम जो है दूसरे से चार्ज नहीं करेगी, वो दाम दूसरे से चार्ज नहीं करेंगे, दूसरे से वो हायर प्राइस देंगे, क्योंकि इनकमबेंट फर्म की गुडविल है उसको वो सस्ते पे दे सकती है, लेकिन न्यू फर्म जो है उसकी गुडविल नहीं है, उसको टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए उसको हायर प्राइस पे देगी। और इसलिए इनकमबेंट फर्म को एक बार फिर यहां पे एडवांटेज है कि वो अपना लिमिट प्राइस बढ़ा सकती है।
और लास्ट है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इनकमबेंट फर्म इज क्लोजर टू द साइट ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल। जो इनकमबेंट फर्म है उसको एक एडवांटेज है कि जहां रॉ मटेरियल मिलता है उसके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। आप देखिए टाटा स्टील प्लांट जो है जमशेदपुर में लगा है क्योंकि वहां से हरियाणा कोयला उसको मिल जा रहा है, क्योंकि कोयला जो है बहुत बड़ी एक इनपुट है उसके लिए, और अगर कहीं दूर लगाता तो हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती। तो इसलिए बहुत एडवांटेज है इनकमबेंट फर्म को कि वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंजॉय करे, और ये सारे फैक्टर्स आपको ए से जी तक हमने दिए, कम से कम 7 फैक्टर्स हैं। इसमें से एक साथ भी सब ऑपरेट कर सकते हैं, वरना 5-4 एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। पेटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पेटेंट और कॉपीराइट जो शुरू में दिया। इसके अलावा वर्टिकल इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव टाई अप्स आजकल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो इनकमबेंट फर्म है वो इस एडवांटेजेस की वजह से अपनी कॉस्ट को लोअर रख सकती है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एंट्रेंट। और चूंकि इसकी कॉस्ट लो है और उसकी कॉस्ट हाई है, तो इसलिए वो अपना प्राइस, लिमिट प्राइस जो है वो बढ़ा सकती है, और उसकी कॉस्ट जो पोटेंशियल एंट्रेंट की कॉस्ट है उससे थोड़ा नीचे रख सकती है, ताकि पोटेंशियल एंट्रेंट एंटर ना कर पाए। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बैरियर है, और इसकी वजह से इनकमबेंट फर्म जो है दैट कैन कीप इट्स लिमिट प्राइस अबव कॉम्पिटिटिव प्राइस। यहां पे एक केस स्टडी दी हुई है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, ट्रेट्रा पैक का आपने नाम सुना होगा और देखा भी होगा, आप देखते होंगे अमूल आइस, अमूल क्रीम्स जो है, अमूल क्रीम आइसक्रीम नहीं, अमूल क्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, और रियल जूसेस हैं, ट्रॉपिकाना जूसेस हैं। इसमें जो कार्टन जो इस्तेमाल हो रहा है, जो कवरिंग इस्तेमाल हो रही है, वो एसेप्टिक पैकेजिंग कहलाती है। एसेप्टिक पैकेजिंग जो है ये लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए है, इसमें आप लिक्विड प्रोडक्ट सेफ रख सकते हैं लंबे समय के लिए। इसीलिए आप देखिए अमूल क्रीम पड़ी रहती, खराब नहीं होती उस पैक के अंदर। ये बहुत बड़ी मतलब इनोवेशन कहेंगे कि हाउ दे हैव मैनेज्ड दैट टेट्रा पैक की जूसेस और अमूल क्रीम जो तुरंत खराब हो जाए विदाउट रेफ्रिजरेशन, दे कीप इट देयर एंड फॉर लॉन्ग टाइम। और इसको इसमें लंबे समय तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, वो खराब नहीं होंगे। वही लिखा टेट्रा पैक जो है एक कंपनी का नाम है टेट्रा पैक, और जो कार्टन में आप पैक करते हैं इसलिए उसका नाम भी टेट्रा पैक पड़ा हुआ है। तो टेट्रा पैक जो कंपनी है वर्ल्ड लीडर है इन द फील्ड ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग ऑफ लिक्विड फूड्स, अमूल क्रीम, रियल जूसेस, ट्रॉपिकाना जूसेस इन कार्टन्स। जो कार्टन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग उसी को टेट्रा पैक बोलने लगे। वैसे टेट्रा पैक ओरिजिनली कंपनी है जो वो कार्टन और मशीनरी सब बनाती है जिसमें वो पैकेजिंग होती है। यहाँ लिखा टेट्रा पैक प्रोड्यूसेस एंड एंगेज इटसेल्फ इन मार्केटिंग ऑफ मशीनरी एंड कार्टन्स बोथ। ये दोनों मशीनरी जिनसे वो तैयार होते हैं टेट्रा पैक और जो कार्टन यूज करती है, दोनों की वो मैन्युफैक्चरिंग करती है टेट्रा पैक। और इसके पास कम से कम 200 तरह का पेटेंट है, 200 टाइप्स यहां लिखा हुआ। और एंट्री इनटू एसेप्टिक पैकेजिंग इज मेड डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स। बहुत पेटेंट है इसके पास, और उसकी रॉयल्टी देना नए एंट्रेंट के लिए बहुत मुश्किल है।
संभव नहीं। तो ये वर्ल्ड लीडर है, हर जगह टेट्रा पैक यूज हो रहा है, इंडिया में भी आप देख रहे हैं। दिस कपल्ड विद एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेट्रा पैक विद कस्टमर्स, इसके साथ साथ उसने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बना रखा कस्टमर्स के साथ, चाहे डाबर हो, चाहे ट्रॉपिकाना जूसेस हो, या अमूल वालों के साथ, कि अगर वो उनसे कार्टन लेते हैं एक्सक्लूसिवली और किसी से ना लें, तो वो उनको काफी सब्सिडाइज रेट पर वो कार्टन उपलब्ध करा देंगे। ये उनका यहाँ है, दिस कपल्ड विद एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेट्रा पैक विद कस्टमर्स लाइक टाइड सेल्स ऑफ मशीनरी एंड कार्टन्स, रिपेयर ऑफ मशीनरी, पेनाल्टी क्लॉजेज लिंक टू कॉन्ट्रैक्ट वर साइंड विद कस्टमर्स इन रिटर्न फॉर लोअर प्राइस ऑफ ओवरऑल पैकेज, कि इसके लियो में, इसके बदले में वो आपको बहुत कंसेशनल रेट पे टेट्रा पैक दे देंगे, कि अगर आप उन्हीं से लें और मशीनरी की रिपेयर कराएं, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो पेनाल्टी भी उन्होंने इम्पोज कर रखी है, और तब वो आपको देंगे लोअर प्राइस पे ओवरऑल पैकेज। तो क्योंकि प्राइस बहुत कम है, इसलिए डाबर है या ट्रॉपिकाना है या अमूल वाले हैं, वो उनसे टेट्रा पैक खरीदते हैं। और द नेट इफेक्ट ऑफ पेटेंट एंड ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पैकेज इन रिटर्न फॉर लोअर प्राइस हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द एंट्री क्वाइट कॉस्टली फॉर एंट्रेंट। अब एंट्रेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो ये लोअर प्राइस जो एग्जिस्टिंग कंपनीज एंजॉय कर रही हैं उस तक पहुंच पाए। This absolute cost advantage that Tetra Pak enjoyed over time has successfully restricted the entry of potential entrant in aseptic packaging of liquid food product. और इस absolute cost advantage की वजह से और कोई कंपनी Tetra Pak के अलावा aseptic packaging में आई नहीं पाई। Packaging आपको मिलेगी लेकिन aseptic packaging में नहीं, यानी जिसमें हम लिक्विड को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी चांस ऑफ इट बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, टेट्रा पैक आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा ये भी एक कंपनी का नाम है। और ग्राफिकली इसको हमने दिखाया है यहाँ पे, ये डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर का। यहाँ दो कॉस्ट कर्व बने, एल ए सी पी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और पोटेंशियल एंट्रेंट, ये एल शेप्ड है। एल ए सी आई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इनकम्बेंट फर्म का। अब आप देखिए कि जो एंट्रेंट है उसकी कॉस्ट हाई है और इनकम्बेंट जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसकी कॉस्ट लो है, और डी डी डैश डिमांड कर्व है ये सी पॉइंट पे काट रहा है एल ए सी आई को। ओपीसी जो है ये कॉम्पिटिटिव प्राइस है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये प्राइस रहेगा। अब चूंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस अगर हम एल ए सी पी का लें वो बहुत हाई है, तो उसके नीचे थोड़ा सा लिमिट प्राइस फिक्स किया है इनकमेंट फर्म ने, ओपीएल इज द लिमिट प्राइस। और ये जो उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है वो फैक्टर्स मैंने साइड बताए हैं, ए टू जी फैक्टर्स जो पहले बताए थे, ए बी सी डी ई एफ जी, वो सारे फैक्टर्स की वजह से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। और यही ग्राफ मैंने रिपीट किया, आप एक ही बार बनाइएगा, मैं इसे बार बार बनाता हूँ कि मैं स्लाइड में बैक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वही डायग्राम यहाँ भी रिपीट किया है। द गैप बिटवीन द टू कॉस्ट कर्व इंडिकेट एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जो गैप है ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बता रहा है जो इनकमेंट फॉर्म एंजॉय कर रहा है। और वही बात यहाँ लिखी है जो पहले बताई थी, इट कैन फिक्स एनी प्राइस बिलो एल ए सी पी, एल ए सी पी के जरा सा नीचे वो कोई भी प्राइस फिक्स कर सकता है। इन फिगर ओपीसी कॉम्पिटिटिव प्राइस है और ओपीएल जो है वो लिमिट प्राइस है, विच इज जस्ट बिलो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द पोटेंशियल एंट्री। अब ये जो डिफरेंस है पीएल माइनस पीसी, यानी ओपीएल माइनस ओपीसी,
डॉट में पीएल माइनस पीसी लिखा, ये एंट्री गैप है और ये एंट्री गैप बताता है एक्सटेंड टू विच लिमिट प्राइस कैन बी रेज्ड अबव कॉम्पिटिटिव प्राइस विदाउट अट्रैक्टिंग एंट्री। ये एंट्री गैप बता रहा है कि हाउ मच लिमिट प्राइस वी कैन रेज अबव कॉम्पिटिटिव प्राइस विदाउट अट्रैक्टिंग द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। बगैर एंट्री को अट्रैक्ट किए हुए हम इतना लिमिट प्राइस बढ़ा सकते हैं अबव कॉम्पिटिटिव प्राइस, तो वो एंट्री गैप आपको शो कर रहा है पीएल माइनस पीसी। अब इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन थोड़े यहाँ लास्ट में बताए हैं कि जो बेन की स्टडी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, लेकिन मैंने बताया कि इनोवेशंस और इन्वेंशंस बराबर होते हैं और बड़े बड़े इन्वेंशंस और इनोवेशंस होते हैं, तो ओवर टाइम इस बैरियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ न्यू इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। मैंने टेट्रा पैक का एग्जांपल दिया आपके आगे, लेकिन बेन ने जो 1956 में अपनी स्टडी की, तो उसमें बैरियर को बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर नहीं माना, केवल मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, यानी मॉडरेटली मतलब एक मध्य लेवल का इंपॉर्टेंट बैरियर है, बहुत हाई लेवल का इंपॉर्टेंट बैरियर नहीं। लेकिन कुछ और स्टडीज भी हुई, ये जो पॉइंट है बेसिकली लास्ट में जो मैं दे रहा हूँ, कुछ और स्टडीज हुई, बहुत सी चीजें मैं आपके लिए तो जो एम ए में है उनके लिए तो इतना पर्याप्त है इस बैरियर के बारे में बेन तक, लेकिन कुछ स्टडीज में इसलिए भी बताता हूँ कुछ बच्चे जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो अपना आउटलुक और अपना होराइजन, मेंटल होराइजन और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने तीन स्टडीज कोट की हैं। पोर्टर इज अ वेल नोन नेम इन मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक 1980 में स्टडी की, कराकाया की एक स्टडी है 1992 की, और एक 2011 की स्टडी है आकर की। इसमें से दो स्टडीज में अगर आप देखेंगे वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक स्टडी ऐसी है जिसमें आकर की स्टडी है जो 2011 की है, उसमें ये बैरियर इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। यहाँ मैंने तीनों स्टडीज की कोट की हैं। कराकाया की 2002 की स्टडी है, इन्होंने 25 बैरियर बताए हैं टोटल, और 93 इंडस्ट्रियल कंपनीज का सर्वे किया है, उसमें से मैंने तीन इंपॉर्टेंट बैरियर यहाँ लिखे हैं। उसमें पहला एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है कराकाया की, और पोर्टर की स्टडी में भी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है जो ये नंबर तीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, ये 1980 की स्टडी है, और 2011 की स्टडी आकर की है, इसमें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बैरियर का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है इन्होंने पाया। अब क्यों नहीं पाया ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सर्वे बेस्ड स्टडीज हैं, तो जो बैरियर इंपॉर्टेंट मिले वो उन्होंने बता दिए। तो आप भी कई बार अपना प्रोजेक्ट आपको करना है, एमफिल करना है या रिसर्च में जाना है, तो आप लिमिट प्राइस थ्योरी की स्टडी डिटेल में कर सकते हैं। मैंने केस स्टडी भी यहाँ दी है और यहाँ बताया है कि कैसे आप सर्वे करके इम्पोर्टेंट बैरियर्स को छाट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है उनको लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1956 के बाद से बहुत पानी बह गया और नई स्टडीज की जरूरत है। 2002-2011 की यहाँ स्टडीज दी हुई है, काफी नई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कंपनी इन्होंने छाटी वही कंपनी आप ले, आप दूसरी कंपनी भी ले सकते हैं और आपको डिफरेंट बैरियर्स मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंट बैरियर सेलेक्ट करना नहीं है, बल्कि आप डिफरेंट सेट ऑफ इंडस्ट्रीज लें और फिर देखिए कौन से बैरियर्स किन इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो ज्यादा महत्व। एक नया इनोवेशन होगा, एक नई चीज आप निकाल सकते। तो तीन में से ये दो स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कराकाया की और पोर्टर की।
अगर इस स्टडी में इंपॉर्टेंट बैरियर नहीं है और ना ही बेन की स्टडी में, तो एक मिक्स आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे, इंपेरिकल फाइंडिंग्स मिलेंगे, लेकिन मिक्स फाइंडिंग्स के बाद भी ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न टाइम्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पेटेंट एंड कॉपी राइट्स एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कंपनीज आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर ऑन इनोवेशन, दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर रॉयल्टीज, इसलिए वो पेटेंट ले रहे हैं, और जो रॉयल्टी देगी कंपनी उसकी कॉस्ट हमेशा हाई होगी, और जो इनकमेंट फार्म है उसकी कॉस्ट लो है, वो लिमिट प्राइस रेस कर सकती है। तो ये सारा कुछ है इस लेक्चर में, छोटा लेक्चर है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। यहाँ पे बुक्स भी मैंने लिखी हुई हैं, और कुछ जो अच्छी बुक्स हैं उनका नाम यहाँ मैंने कोट किया हुआ है, कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, एक थीसिस को भी मैंने कोट किया हुआ है। तो आप इसको इतना डिटेल में मैंने सब वहाँ से जो समरी है जिस्ट है वो यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को और एंजॉय कीजिएगा जरूर, क्योंकि लेक्चर जो है वो एंजॉयमेंट के लिए ही होता है, बेसिक रोल उसका वही है, और अगर लेक्चर से एंजॉयमेंट थ्रिल या नॉलेज आपको ना मिले तो लेक्चर हमारी समझ से बेकार है। तो आप एंजॉय कीजिए अपने इस लेक्चर को, माय गुड विशेस टू यू ऑल, और क्योंकि ये लेक्चर वीडियो के रूप में है, इसका प्रीमियर मैं सेट कर दूंगा कल दिन के टाइम में, जब आपका क्लास टाइम होगा 12 से 1 का, तो ये लेक्चर उसी समय प्ले होगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कई बार अटेंडेंस मांगती है, तो जितना आप फीडबैक देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपकी कम से कम अटेंडेंस उसमें दर्ज हो जाएगी, आप चाहे 2 ही शब्द उसमें लिख दें तो दैट इज रीजनेबली गुड इनफ। और बाकी मैंने बताया आपको पहले भी कि कुछ लेक्चर्स हमारे इकोनोमेट्रिक्स के एडवांस इकोनोमेट्रिक्स वाले भी अपलोडेड हैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर है, को इंटीग्रेशन है, यूनिवेरिएट टाइम सीरीज मॉडलिंग है। अभी मैं धीरे धीरे करके जो अब आगे टर्न आएंगे उसमें और लेक्चर्स को लोड करूँगा इकोनोमेट्रिक्स के, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा माइक्रो को मैं टेकअप कर रहा हूँ, इसको ये टॉपिक को पूरा ख़त्म कर लूँ और फिर थोड़ा सा एडवांस इकोनोमेट्रिक्स का लूँगा। उसके बाद एक आपकी यूनिट गेम्स थ्योरी की है, उसमें भी कुछ हिस्सा ऑलरेडी लोडेड है, लेकिन कुछ इनिशियल पार्ट हम लोड करेंगे आप सबके लिए। ओके, गुड बाय, गुड विशेज, गुड लक टू यू ऑल।